सेट टेक्निकल में लाए हैं हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रेन का चैन को खींचने पर आपको आरपीएफ या टीटी कैसे पकड़ लेती है, उसे कैसे पता चलता है कि कौन सी बोगी से चैन को खींचा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इंडियन रेलवे देश का सबसे दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है, जो कई लाखों शहरों को जोड़ता है। इस रूट पे कई हजारों लाखों ट्रेन दौड़ती है। आप यदि कभी ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो आपको एक बोगी में इस तरह का चैन देखने को मिलता है, इस चैन को खींचने के बाद ट्रेन रुक जाती है। रुकने के बाद आरपीएफ आपको आकर पकड़ता है, या टीटीई टीसी यानी आपसे फाइन मांगता है। इसे खींचने के बाद यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा होता है इस जगह पे, कि यदि आप चैन को खींचते हैं बिना वजह कोई इमरजेंसी के, क्योंकि ये चैन तो इमरजेंसी के लिए होती है, यदि आप इसे खींचते हैं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना वरना 1 साल के लिए कारावास यानी जेल का सजा भी काटना पड़ता है। पर कई लोग अपने स्वार्थ के लिए ट्रेन के स्टेशन के जैसे ही पार हो जाने के बाद ट्रेन को खींच देते हैं, जिससे कि ट्रेन के नीचे लगा हुआ ब्रेक में एयर जो इकट्ठा होता है वो रिलीज़ होता है। इस तरह एयर रिलीज़ होता है और ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगना ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। इसमें ड्राइवर भी हेल्प करता है और वहाँ से गार्ड भी हेल्प करता है कि कोई इमरजेंसी है। पर बहुत से लोग ऐसे जानबूझकर ही करते हैं, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। कोई भी इमरजेंसी ना हो और आप चैन खींच के यदि आपके गाँव से या आपके शहर से या आपके इलाके से यदि ट्रेन का ट्रैक गुजर रहा है, आपको वहीं उतरना है, तो आप स्टेशन ना उतरने के बजाय वहीं पर चैन खींच के उतर जाते हैं, जिससे वजह से ट्रेन में काफ़ी विलंब होता है। और ऐसे ही यहाँ के ट्रेनों में 4-5 घंटा लेट ही चलते हैं और इसमें और लेट होता है, जिससे काफ़ी परेशानियाँ होती है। देखिए ट्रेन के चैन खींचने के बाद एयर निकलने लगता है, जो बोगी के साइड से काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ निकलता है एयर, और जिसकी वजह से आरपीएफ और टीटी को पता चल जाता है कि इसी बोगी से, मान लीजिए आप S1 में ट्रेवल कर रहे हैं और आपने चैन कूलिंग किया, तो S1 के साइड में फर्स्ट में या लास्ट में जहाँ पे एयर टैंक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये ऐसा टैंक होता है नीचे में, एयर टैंक है, तो वहाँ से एयर निकलने लगती है, जिससे बहुत ही वो तेज़ आवाज़ के साथ निकल रही है, जिससे आपको टीटी को और आरपीएफ को पता चल जाता है कि इसी बोगी से चैन को खींचा गया, और उस बोगी में आकर वो छानबीन करके जो चैन कूलिंग किया होता है उसे पकड़ लेती है, या कोई इमरजेंसी रहता है तो उसे सॉल्व करती है। आरपीएफ जब उस बोगी में आती है तो पूछताछ करके सॉल्व करते, फिर ट्रेन में विलंब हो जाता है, फिर ट्रेन खुलता कैसे, फिर उसी चैन को दोबारा खींचा जाता है और गार्ड और ड्राइवर को इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई इमरजेंसी नहीं है, आप ट्रेन को अब ले जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर उसमें एयर को इकट्ठा होता है, वो एयर ब्लॉक यहाँ से बंद की जाती है। देखिए हम आपको बताएंगे कि एयर ब्लॉक कहाँ से बंद की जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ ये कुछ जगह है जहाँ से एयर को बंद किया जाता है और ट्रेन दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाती है। आशा करते हैं हम आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल